मैंने किसी को दिया था कुछ उधार, मुझे अभी तक वापस नहीं कर रहा यार वो। ख्वाजा सरा होते हैं ना, उनको मतलब के कुछ पैसे दो, थोड़ी सी कमीशन उनके घर पे भेज दो तो पैसे मिल जाएंगे। अरे बस मुझे कोई और भी हल बताएं, मैं अपने पैसे किसी तरह वापस ले लूं। सिर्फ खुसरे उसके घर के बाहर जाएंगे तो वो मुझे कैसे दे देगा फिर? खुसरों में खुद भी उनमें खुसरों में शामिल हो जाए चंद मिनट के लिए ना, उसके घर पे ख्वाजा सरा लेके ना उनके घर के आगे जाके करो उसको बेइज्जत करो तो मिल जाएंगे। ख्वाजा सरा से कहूंगे इसके घर के बाहर रोजाना इतने बजे जाके रोज का 100 रुपए घर के बाहर जाके इसको बदमा दिया जाए। नहीं उसको मतलब शोर शराबा करे ना कि पैसे ले सकते हैं वो, आप नहीं ले सकते, वो तो बेइज्जती करके ले सकते हैं ना। आप सीधा जाएं उसके घर और वहाँ बैठ जाएं और तब तक ना निकलिएगा जब तक वो आपको पैसे नहीं देता। घर के अंदर बैठ जी, अंदर ही बैठ जाएं तो और कहाँ बैठेंगे, छत पे बैठेंगे। तो उसने मेरे लिए दरवाजा खोल के रखा होगा, अंदर चले जाओ बस आप बैठे रहें, आप या आप छत से अंदर कूद जाएं, पता नहीं, आप बस अंदर बैठ जाएं, चलें। वो आपका दोस्त होगा ना, उसकी फैमिली भी है। ब्रदर मुझे इसका बेहतर तरीका कोई आप बताएं। ठीक है, आपको उसका घर का पता है ना, आप बता रहे हैं आपको उसका घर का पता है, तो सीधा टेंट लेके जाएं, दरवाजे के बाहर लगा दें, बस जैसे ही वो दरवाजा खोले आपको चेहरा देखे, सबसे पहली चीज हर दिन वो आपका चेहरा देखे, इवेंचुअली उसको तरस तो आ ही जाएगा और इंशाल्लाह आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर पैसे नहीं मिलते तो आप मुफ्त में उनके घर के बाहर ही बिल्कुल रह रहे हैं तो बस ठीक हो गया काम। मैं इस ठंड में उसके घर के बाहर से कूदूं जाके? कोई बात नहीं, अगर उसका दिल होगा तो वो दे देगा, नहीं होगा तो वो नहीं देगा। अच्छा, 55,000 रुपए में अपनी जान कुर्बान कर दूं मैं। बस तो ये तो आपके ऊपर है, आपको ही चाहिए 55,000, तो अब बैठे रहे बाहर। भाई साहब दो हाल है पाकिस्तान में, अगर आपने किसी की शक्ल ना देखनी हो ना, किसी से ना मिलना हो, जो आपका ना पसंदीदा बंदा हो, उसको आप उधार दे दें, उस सारी उम्र आपको नजर नहीं आएगा। भाई जिसको आपने पैसे दिए हैं उसका आसान सा हल वापसी लेने का एक ही है, कि ना आप उसको माफ़ी कर दें। भाई बाइक चोरी वाहद हल, जब वो कोई केस करवाएगा आप उस उल्टा केस करवा दें, आपके पास चेक है कि मेरे जब पैसे देंगे आप तो मैं आपके वापस कर दूंगा, एक हाथ से पैसे दें एक हाथ से बाइक ले लें। यार इसका हल यही है कि भाई ऊपर वाले से दुआ मांगे, ठीक है, आराम सुकून से घर पे ही बैठे रहें, ठीक है, क्योंकि पैसे तो वापस आने नहीं है। उसको कहें 50,000 चले वापस कर दे यार, लेकिन जान छोड़े बस, अब आप 5-5 करके वापस करें। 5-5 करके दे दे, लेकिन दे दे वापस बार तो मुझे प्लीज आप कुछ नहीं और पैसे जाने दें, कोई बात नहीं, बड़ा करूं। हाँ, दिल तो मेरा बड़ा है, दिल मेरा बहुत बड़ा है, मैं हूँ बड़े दिल वाला, लेकिन ये जाने दें, आइंदा से किसी को उधार ना देंगे, आइंदा से किसी को नहीं दूंगा मैं, लेकिन मैं अपने वो तो वापस ले लूं। मुझे बड़ी मुश्किल परेशानी है मेरे कुछ मामलों को लेके, कैसे वापस लूं, मुझे कोई हल बताएं इसका। मतलब चलो मैं सलूशन है, प्लीज यू ट्राई सदका, ओके यू गो एंड गिव, नो यू ओके डन। इस हालत में माफ करना बनता है उसको भी, लेकिन आप इस हालत में वो आपको देना भी तो नहीं चाहता ना, ये भी तो आप देखते ना, तो वो आपको जब देगा आप कैसे ले लेंगे भाई? वो भी इस महंगाई के मारे वापस नहीं दे रहा। शायद क्या पता वो आपसे ज्यादा मजबूर हो यार। मेरी भी ऐसी कहानी है, ठीक है। हाँ क्या कहानी है मेरे भाई की? सर 2 महीने पहले की बात है, ठीक है, दोस्त को दिए थे उधार, ठीक है, अभी तक नहीं वापस हुए, तो खैर मिलता हूँ लेकिन जिक्र नहीं करता उस बारे में, लेकिन अब ऐसे ही है बैठे हैं उसके सामने। कहते ना बाय वन गेट टू फ्री, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री। ऐसा ही है, इसके अलावा पैसे नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा हाँ, जैसे मर्जी आपका बेस्ट फ्रेंड भी था ना, वो भी आपको पैसे नहीं देगा। तो गिव एंड टेक करूँ मैं। हाँ बिल्कुल, चले यार भाई कोशिश करता हूँ यार, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा हाँ, मेरे ऐसे बहुत फड्डे हुए हैं। अच्छा, मैंने किसी की कोई चीज़ उठाई है तो फिर ही मेरी चीज़ वापस मिली है। हाँ नहीं, मुझे बताओ ना, आपने कभी किसी को उधार दिया? मैंने दिया था तो वापस लिया भी था? नहीं मिला, वो कराची चला गया, अब मैं उसकी चीज़ भी नहीं उठा सकता। आपने उसे चीज़ क्या दी थी उधार में? मैंने उसे 20,000 रुपया दिया था। तो 20,000 के लिए 2,000 रुपये की टिकट लगा के कराची चले जाओ उसको ढूंढो? नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं चला जाता, मैं पैसे के पीछे कत्ल भी कर दूंगा, मेरे पैसे ना किसी ने दिए तो। ये जनवरी फरवरी में उसने आना है तो मैंने तो उसका गला पकड़ के ले लेने हैं, उससे पैसे कमाने आपको पता कितना मुश्किल है। यानी आपके अंदर एक डॉन छुपा हुआ है? देख लें, खो भी सकता है पैसा, हक लाल का जो होता है ना वो डॉन ही होता है अंदर से। हाँ आपसे कभी किसी ने उधार लिया? जी बिल्कुल लिया। अच्छा कितना लिया था, किसने लिया था? दोस्तों वगैरह ने लिया है काफ़ी, लेके फिर वो जो है वो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो उनके घर वगैरह जाएं या जहाँ पे वो बैठते हैं दादा वहाँ पे विजिट करें? यार वो तो घर भी उन्होंने बदल लिया है, कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो फिर वो दोस्ती से भी जाते हैं, फिर मैंने उधार देना ही बंद कर दिया। अच्छा
उधार देना बंद कर दिया आपने? मेरे लिए तो बेहतर यही है कि फिर उधार देना ही बंद कर दें। तो यह कि मुझे बस कोई तरीका बताएं किसी तरह मैं वापस ले लूँ, मुझे मेरे पैसे बड़ी शिद्दत से चाहिए वापस, जो बस चाहिए मुझे, मिठाई मैं कैसे लूँ? अच्छा, शिद्दत से चाहिए? शिद्दत से, बड़ी शिद्दत से। आप अपनी दोस्ती का वास्ता दे दें उसको फिर, तो शायद आपकी दोस्ती के लिए जो है वो फिर आपको पैसे वापस कर दें। को या तो पैसे दे दो या दोस्ती रख लो। आजकल का जैसा दौर चल रहा है, जैसा दौर इसका आजकल चल रहा है, मैं इसे दोस्ती का वास्ता दूँ, इस पर वापस देगा? लोग अल्लाह के वास्ते चीज़ें वापस नहीं करते, अल्लाह माफ करे। ये कि मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ अपने पैसे वापस, क्या करूँ? अच्छा, दोस्ती के वास्ते भी नहीं है, अल्लाह के वास्ते भी नहीं है, तो फिर भाई माफ़ ही कर दें फिर। अब आपको चाहिए तो अब आप ऐसा करें, एक आसान तरीका फिर आपको मैं बताता हूँ, आप किसी से उधार ले लें, ठीक है? 55,000 आप 60,000 किसी से उधार ले लें, तो इसके तो आपके गए, तो अगले को आप देना बंद कर दें। तो यही है ना, इसी में आप ये अल्लाह की रजा के लिए इसको माफ़ कर दें और उसका स्वाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा मशवरा देने का। मेरे से उसने ये कि जो पैसे लिए थे ना, जो सिर्फ फीसों के लिए लिए थे, फीसों के लिए, मुझे लग रहा है उन्हीं पैसे से अपने बच्चे के पैंपर भी लेके आ रहे, दूध भी लेके। ये तो आपके लिए और स्वाब का काम हो गया भाई, आपने गलत भी कर दी उसकी और ना आपको स्वाब भी हो रहा है भाई, बच्चे भी दुआएं देंगे जी मानने से आपके। भाई जान यार, चलें ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी किसी को एक उधार नहीं दिया? नहीं, मैंने दिया यार ना, स्टिल आई ओ प्लेंटी मनी फ्रॉम द पीपल बट नोबडी गिव मी बैक येट। ओह माय गॉड, यू हैव गिव टू प्लेंटी ऑफ पीपल्स। बट द थिंग इज भाई साहब, जब भी आप किसी को पैसे देंगे ना, द फर्स्ट थिंग वो करेगा कि ना, वो कम्प्लीटली आपकी वो भाई साहब डिसअपीयर हो जाएगा, वो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो उधार का मतलब ये है कि आपने किसी को पैसे दिए और उसको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, बंदे को भी खो दिया और पैसों को भी खो दिया। ये पाकिस्तान में तो उधार का मतलब यही है भाई। अच्छा, मतलब कि है कि जब पैसे लेने हैं, पैसे किसी से लेने हैं, जी हजूर, हाय हजूर, और उसके बाद जब ये कि पैसे ले लिए, इसके बाद बाय हजूर, बाय हजूर। और या अगर आपने पैसे किसी को दे दिए हैं तो फिर है ना, आप 3-4 नए जूतों के जोड़े ले लें, ताकि वो है ना भाई को तलाश करने में आपको आसानी रहे, और वो आपके जूते ही टूटेंगे भाई साहब, और पैसे आपको रिटर्न कभी नहीं मिलेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने तसल्ली है ना, एडवाइस है कि भाई आप भी है ना इस मामले में पेशेंट रखें, शायद है ना आपको कभी वो वापसी आके पैसे दे, रिटर्न कर ही दे भाई साहब। यार मैं तो यकीन मानो उसके घर भी चक्कर लगाते रहते हैं यार, घर की बल्ले पे बल्ले देता हूँ जाके, कोई आता ही नहीं यार, तो मैं क्या करूँ? मैं भी है कि मैं आई एम एजुकेटेड यार, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ यू नो लोअर स्टैंडर्ड पीपल, लाइक गालियाँ गाली गलौज करना, सब करना, घर के बाहर घर चीचे तोड़ना, ये वो सब मैं सब नहीं कर सकता। तो बताओ ऐसा क्यों हल बताओ मुझे यार, मुझे चाहिए मेरे पैसे यार। सर मुझे अपने पैसे नहीं मिले, मैं आपके पैसे का हल कैसे दूँ? जी नाज़रीन, तो मैं मिला बहुत लोगों से और मैंने उनसे पूछा कि मैं अपना ये मुश्किल है मेरी, इसका मैं हल कैसे निकालूँ? सब ने मुझे अपना अपना तरीका दिया कि मैं इस तरीके से निकालूँ, उस तरीके से निकालूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नमाज शेख को। अस्सलाम वालेकुम।